नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इस IR सेंसर की हेल्प से चार बेहतरीन प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि देख सकते हैं, मेरे पास ये IR प्रॉक्सिमिटी सेंसर है और इसका अनबॉक्सिंग वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें आप देख सकते हैं टोटल तीन पॉइंट्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। तो ये जो साइड वाला पॉइंट है, यहाँ पे आउट जो लिखा हुआ है, यहाँ से सिग्नल आउटपुट हमें मिलता है। ये बीच वाला जो है GND लिखा हुआ है, यानी ग्राउंड, यहाँ पे हम लोगों को निगेटिव सप्लाई 3.7 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट तक देना पड़ता है। और इधर VCC है, यानी यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई देनी पड़ती है। और यहाँ पे आप एक प्रीसेट देख रहे होंगे, तो इसको घुमा के आप इसकी सेंसिटिविटी को घटा या बढ़ा सकते हैं। और ये IR ट्रांसमीटर LED है और ये IR रिसीवर LED है, या इसको फोटो डायोड भी बोल सकते हैं। तो जब इस IR ट्रांसमीटर LED के जरिए जब इंफ्रारेड किरणों को जब भेजा जाता है दूर रेंज को, तो अगर किसी वस्तु से या किसी ऑब्जेक्ट आप कह लें उससे टकरा के जब वापस आती है, तो ये ब्लैक वाला जो फोटो डायोड LED देख रहे हैं, ये इसे रिसीव करता है। इसके बाद फिर एम्पलीफाई करके इस जो आउट वाले पिन है यहाँ से आउट कर देता है। और उसके बाद कोई भी आप डिवाइस को इससे कंट्रोल कर सकते हैं इसके। तो फ्रेंड्स, इस IR सेंसर की हेल्प से सबसे पहला प्रोजेक्ट मैं एक फायर अलार्म बना रहा हूँ। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए ये IR प्रॉक्सिमिटी सेंसर, उसके बाद एक बजर, एक 3.7 वोल्ट की बैटरी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस IR प्रॉक्सिमिटी सेंसर में हम लोग वायर को कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव वायर को कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे सिग्नल आउट का वायर हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, देख लीजिए, मैंने वायर को कनेक्ट कर दिया है। ये जो रेड कलर का वायर है ये पॉजिटिव वाला है, और ये ब्लैक वाला नेगेटिव, और ये जो सिग्नल आउट वाला है ये ग्रीन वाला वायर है। अब हम लोग इस IR सेंसर को डबल साइडेड टेप की हेल्प से इस लकड़ी के टुकड़े पे हम लोग चिपका देंगे यहाँ पे। उसके बाद इस बजर को भी हम लोग डबल साइडेड टेप की हेल्प से इसके ऊपर चिपका देंगे। बजर को लकड़ी के टुकड़े पर चिपका लेने के बाद जो बजर का पॉजिटिव वायर है और फिर IR सेंसर का जो रेड कलर का पॉजिटिव वायर है, दोनों को एक साथ हम लोग जोड़ लेंगे। उसके बाद जो बजर का ये ब्लैक कलर का वायर यानी निगेटिव वायर है, वो हम लोग जो IR सेंसर का ये जो सिग्नल आउट वाला वायर है, ग्रीन वाला वायर, इसके साथ में हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग ये 3.7 वोल्ट की बैटरी को लेंगे और इसे यहाँ पे मैं चिपका देता हूँ। और जो बैटरी का पॉजिटिव वायर है वो हम लोग को IR सेंसर और जो बजर है उसके पॉजिटिव वायर के साथ में ऐसे कनेक्ट कर देना है। और जो दूसरा निगेटिव वायर है वो IR सेंसर के निगेटिव वायर के साथ में इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद में आप देख सकते हैं इस IR सेंसर में एक लाइट जो है LED ब्लिंक करने लगी है। अब फ्रेंड्स, इस IR सेंसर के सामने मैं इस माचिस की तीली को आपको जला के दिखाता हूँ, देखता हूँ ये वर्क करता है कि नहीं। तो मैं इस माचिस को जला ले रहा हूँ यहाँ पर। और देखिए, यहाँ जलाने के बाद काफ़ी दूर से ये कैच कर ले रहा है इंफ्रारेड रेज जो निकल रही है आग से, और ये अलार्म जो है ये बजना स्टार्ट हो चुका है। एक बार फिर फ्रेंड्स, मैं आपको दोबारा से आपको दिखा दे रहा हूँ। देख सकते हैं काफी दूरी से भी ये काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट का उपयोग आप अपने घर में भी कर सकते हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से, और या तो फिर आप स्कूल साइंस प्रोजेक्ट में भी इसको दिखा सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है ये। अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे साइंस प्रोजेक्ट की ओर। तो यहाँ पे इस मोटर को हम लोग इस IR सेंसर की हेल्प से कंट्रोल करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं मेरे पास ये DVD प्लेयर का एक मोटर है, तो इसको भी सेम उसी तरह कनेक्ट कर लेना है। ये जो पॉजिटिव वाला मोटर का वायर है IR सेंसर के पॉजिटिव वायर के साथ में मैं कनेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद इस IR सेंसर का जो सिग्नल आउट वाला वायर है मोटर के नेगेटिव वायर के साथ कनेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, ये जो बैटरी का पॉजिटिव वायर है हम लोग मोटर और फिर IR सेंसर के पॉजिटिव वायर के साथ कनेक्ट करेंगे, और ये जो नेगेटिव वाला वायर है वो IR सेंसर के नेगेटिव वायर के साथ में कनेक्ट कर देंगे। ये कर दिया मैंने कनेक्ट। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर हाथ जैसे लाऊंगा ये फैन चलना स्टार्ट हो जाएगा। आप देख लीजिए, हटा दूंगा बंद हो जाएगा, फिर लेके आऊँगा फिर चलना स्टार्ट हो जाएगा।
उसके बाद आप इसकी सेंसिटिविटी को घटा या बढ़ा भी सकते हैं। ये जो प्रीसेट देख रहे हैं, अगर इसको आप बढ़ाते हैं, घुमाते हैं, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। तो इसको मैं कम कर देता हूँ तो ये ज़्यादा दूर से ही रेंज से काम करेगा। तो फिर मैं दोबारा से आपको दिखा दे रहा हूँ, ये मैंने हाथ लाया और देखिए आप ये चलना स्टार्ट हो गया। फिर हाथ को हटा लेता हूँ, ये बंद। अब फ्रेंड्स आते हैं हम लोग अपने तीसरे प्रोजेक्ट पे। तो ये एलईडी आप तो जो देख पा रहे हैं, इसको अब आईआर सेंसर की हेल्प से हम लोग कंट्रोल करेंगे, जलाएंगे बुझाएंगे। तो ये एलईडी जो आप देख रहे हैं, इसमें बड़ा वाला लेग है एलईडी का पॉजिटिव है, और छोटा वाला जो लेग है ये नेगेटिव वाला लेग है। तो एलईडी का जो पॉजिटिव वाला लेग है, हम लोग आईआर सेंसर के ये जो पॉजिटिव वाले वायर है इसके साथ में हम लोग कनेक्ट कर देंगे, और फिर जो बैटरी वाला पॉजिटिव वाला वायर है इसके साथ में यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स जो आईआर सेंसर का ये जो आउट वाला सिग्नल आउट वाला वायर है वो एलईडी के नेगेटिव वायर के साथ में कनेक्ट करेंगे। उसके बाद आईआर सेंसर का जो नेगेटिव वायर है वो बैटरी के नेगेटिव वायर के साथ में कनेक्ट कर देंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैं हाथ लाऊंगा ये एलईडी लाइट जलना स्टार्ट हो जाएगी, हटाऊंगा जैसे बुझ जाएगी। अब फ्रेंड्स मैं इस 4 वोल्ट वाली एसएमडी एलईडी को भी इससे कंट्रोल करके दिखाता हूँ। तो मैं इसके साथ में कनेक्ट कर ले रहा हूँ। अब मैं जैसे हाथ लेके जाऊंगा ये एलईडी जलना स्टार्ट हो जाएगी, आप देख लीजिए। अब फ्रेंड्स आते हैं हम लोग चौथे प्रोजेक्ट की ओर। तो हमें फिर से बजर लेना होगा, इस बजर को लेंगे हम लोग। उसके बाद जो बजर का पॉजिटिव वाला वायर है सेम उसी तरह कनेक्ट कर देंगे इस आईआर सेंसर के पॉजिटिव वायर के साथ में, और नेगेटिव को इसके सिग्नल आउट वाले वायर के साथ में, और फिर बैटरी का पॉजिटिव यहाँ पे कनेक्ट करना है और नेगेटिव यहाँ पे, और जब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो ये अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा, आप देख लो। तो फ्रेंड्स इस प्रोजेक्ट का उपयोग आप अपने घरों में सिक्योरिटी के लिए, एंटी थेफ्ट के लिए कर सकते हैं। आप अपने दरवाजों के वगैरह के पास में लगा सकते हैं इसको, जब कोई दरवाजा खोलेगा व्यक्ति और उसके पास से गुजरेगा तो ये इसे सेंस करेगा, और सेंस करने के बाद ये अलार्म जो है ऑटोमेटिकली बजना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ये आईआर सेंसर से रिलेटेड प्रोजेक्ट वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट आज मैंने बना के दिखाई है कोई यूजलेस प्रोजेक्ट नहीं है, आप इसका उपयोग अपने दैनिक जीवन में भी कर सकते हैं, और स्कूल में जो साइंस प्रोजेक्ट होते हैं वहाँ भी आप इसको बना के सबमिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।